हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टर जी ट्यूटोरियल। ये है पावरशेल ट्यूटोरियल नंबर 10 और इस ट्यूटोरियल में आपको स्क्रिप्ट लिखना बताऊंगा। सो इसमें हम स्क्रिप्ट लिखेंगे विंडोज़ की पावरशेल आईएसई में इंटीग्रेटेड स्क्रिप्ट एनवायरनमेंट। सो के लिए आप टाइप करेंगे पावरशेल आईएसई। सो गाइस, यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे, एक तो सिंपल पावरशेल आईएसई और एक x86। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर। अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट है तो आप x86 ओपन करिए, और अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट है तो सिंपल आईएसई। सो दिस इज पावरशेल आईएसई। आप देख सकते हैं इसके तीन पार्ट्स हैं। दिस वन इज कमांड, यहाँ पर आपको कमांड्स दिखेंगी सारे मॉड्यूल्स। आप इसमें सर्च कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। इट्स ऑब्जेक्ट बेस्ड, यहाँ पर जितने भी जो भी कमांड हैं सब ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो उनका फॉर्मेट, तो यहाँ पर आप हेल्प के लिए लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑल कर देता हूँ उसको। फिर फॉर एग्जांपल अगर आपको हेल्प चाहिए गेट कल्चर, आप यहाँ टाइप कर दीजिए। सो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। रन कर देंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली रन हो जाएगा। सो दिस इज द कमांड सेक्शन। आप चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको पूरा स्क्रिप्ट पेज। सो दिस इज दी टर्मिनल, ये है शेल पार्ट और ये है स्क्रिप्ट पार्ट। यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ पर जो टूल बार है उसमें है फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, डिबग, एड ऑन और हेल्प। सो अनटाइटल्ड 1.ps1, सो ps1 डेफिनेटली इसका एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आप सेम उसी तरह से लिख सकते हैं जैसा आप पावरशेल के टर्मिनल में लिखते थे। फर्स्ट स्टेप गेट प्रोसेस, यहाँ पाइपलाइन, देन एंटर। सेकंड स्टेप फॉर्मेट, लेट्स से टेबल, एंड दैट इज नेम एंड सीपीयू। सो इट्स सिमिलर। और इसको रन करने के लिए आप यहाँ पर जो ग्रीन बटन है रन स्क्रिप्ट, इसको कर देंगे सो इट रैन। तो इसका रिजल्ट जो है वो नीचे आता है। सो दिस इज पावरशेल आईएसई। यहाँ डिबग करने के लिए अगेन डीबग में जाकर आप रन कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इसका एडवांटेज क्या है पावरशेल के ऊपर, वो ये है कि इसमें आपको हाल के हाल हेल्प मिलती है साइड बाय साइड यूजिंग द कमांड्स पैनल। एंड यहाँ पर आप पूरी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, आपको एट दैट मोमेंट सारी हेल्प मिलेगी। ऑन द अदर हैंड वहाँ पर आपको एक ही साथ सारी कमांड लिखनी थी, यहाँ पर आप लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। इट इंक्रीजेज योर अंडरस्टैंडिंग, समझने में ज़्यादा आसान होता है। सो दिस वॉज माई ट्यूटोरियल, शॉर्ट ट्यूटोरियल फॉर वॉट इज विंडोज पावरशेल आईएसई। इसके अगले ट्यूटोरियल में आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट लिख के बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।